धर्म नगरी में 24 वर्षों के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के पहले टेबल टॉप त्रिकुट एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी ने आज आजमगढ़ से वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान देवागन के चित्रकूट हवाई अड्डे में भव्य आयोजन किया गया। समारोह में सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा कि जिस पाठ में कभी बंदूकों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से हवाई जहाज की गूंज सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट आप सभी जनपदवासियों के प्रयास से शुरू हो रहा है। अब यहां 12 मार्च मंगलवार और शुक्रवार को लखनऊ के लिए उड़ान शुरू हो जाएगी। संतों ने मांग किया कि अयोध्या व वाराणसी के लिए भी चित्रकूट से उड़ान शुरू होनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक नगरी होने के कारण सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। लखनऊ के अलावा दिल्ली, अयोध्या व वाराणसी यात्रा शुरू करने की सरकार से मांग की। सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद देश के मुंबई और गुजरात जैसे राज्यों में काम करने वाले अब जल्द अपने घर जा सकेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने लोकार्पण समारोह में आए पूर्व सांसद रमेश चंद्र द्विवेदी, अन्य सभी लोगों का स्वागत किया और कहा कि धर्मनगरी के लिए आज बहुत शुभ दिन है। चित्रकूट हवाई अड्डे की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण कर किया। देवश्री धर्मनगरी चित्रकूट आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को यात्रा में सुगमता होगी। 12 मार्च से पहली उड़ान शुरू हो जाएगी।